Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mocks and MBA Preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to wait for MBA CET 2025 exam, because in this video, I'm going to discuss actual quants questions asked in MBA CET 24 slot 1, and this is part 2. So guys, आपको पता है कि MBA CET ने इस बार official papers release किए थे सारे slots के, तो हम लोगों ने decide किया कि हम लोग सारे video solutions आपको देंगे. तो slot 1 का एक part discuss किया था, around 13-14 question थे. आज हम लोग 11-12 question discuss करने वाले हैं. तो वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा देखना, चैनल सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम फॉलो करना, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं. अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पिछले 7 साल के कैट की पीवाईक्यूज ऑफ एलआरडी एंड बीआरसी आपको हम लोग के चैनल मिल जाएंगे प्ले लिस्ट फॉर्म में. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. तो गाइस ये टेलीग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक के लिंक्स, इनको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेगा. बाकी एमबीए सीटी का हम टेलीग्राम का लिंक भी शेयर करेंगे, ठीक है? उसमें अराउंड 6000 प्लस मेंबर्स होंगे, तो जो लोग डेडिकेटेड एमबीए सीट के लिए डेडिकेटेड है वो लोग जरूर ज्वाइन करें, बोला ठीक है. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. तो गाइस जो एमबीए सीट का सर पेपर आया था ना, उसमें सारे स्लॉट्स में अलग अलग डिफरेंट लेवल था. तो अभी स्लॉट 1 जो है थोड़ा इजी है, ठीक है? तो आप इसको ये समझना कि हमेशा इजी ही आएगा, क्योंकि स्लॉट बाय स्लॉट वेरिएशन रहता है, ठीक है? चलो गाइस, तो पहला क्वेश्चन क्या है. बास्केट कंटेन्स 4 रेड 5 ब्लू एंड 3 ग्रीन मार्बल्स. इफ 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बास्केट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? तो गाइस आप लोग खुद भी ट्राई करना और कमेंट बताना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए. तो गाइस यहां पे क्या हो जाएगा, बेसिकली 2 मार्बल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर रेड? तो गाइस दोनों रेड होनी चाहिए. तो क्या करोगे, फेयर आउटकम्स होंगे 4C2 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होंगे 12C2. बस आपको दोनों रेड होनी चाहिए, तो 4 में से 2 ले लिया और टोटल आपके 12 में 12 में से 2 ले लिया. 4C2 कितना होता है गाइस, ये आपको होता है 6. 12C2 कितना होगा, 12 × 11/2 × 1, ये होगा 66. 1/11 आंसर आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है. A company produces on an average 4000 items per month for first 3 months. How many items it must produce on an average per month over the next 9 months to average 4375 items per month over the whole? तो ओवरऑल आपका एवरेज दिया है, पहले 3 महीने के लिए अगर 4000 टोटल कितना हो जाएगा, 4000 × 3. गाइस बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हो, टोटल अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहां पे आपको अगर एवरेज दिया 3 मंथ्स का, टोटल कितना होगा ये, प्लस हाउ मेनी आइटम्स इट मस्ट प्रोड्यूस ऑन द एवरेज पर मंथ ओवर नेक्स्ट 9 मंथ्स. तो हर मंथ का एवरेज मान लेते हैं अगर एक्स है, इंटू 9 हो गया, ये टोटल किसके बराबर होना चाहिए, ओवरऑल एवरेज आपको दिया गया है 4375 × ओवरऑल टाइम कितना दिया है, 3 + 9 = 12. ये ऐसे तो टोटल आपका बराबर होगा. अब गाइस इसी चीज को आप वेटेड एवरेज से भी लिख सकते हो, ऐसे 4000 × 3 + x × 9 / 12 = this. काफी लोग इस तरह भी लिखते हैं इसको. तो ये क्या हुआ, w1 × n1 + w2 × n2 / n1 + n2, 3 + 9. तो वही चीज है, 12 वहां पे जाएगा, यही बनेगा. सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार, 3 से काट दो पूरे को, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4000 + 3x = 16000. इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी से, इसको आप ऐसे ब्रेक कर लो, 4000 + 300 + 75, ये मन में करना वैसे एग्जाम में अपने. अब मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 16000 + 1200 + 300, ये आपका आ गया 7500, या आ गया 17500. तो 3x वैल्यू क्या आ गई, 13500. x आपका आ गया 4500, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है? तो आप चाहे इसको ऐसे लिखो या तो आप वेट एवरेज फॉर्म लोगे. एक ही चीज, ए बोट मैन गोस 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन 1 आवर. तो गाइस मान लेते हैं, इसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि मान लेते हैं स्टिल वाटर की स्पीड u है एंड स्ट्रीम की स्पीड अगर v है, तो आपका क्या हो जाएगा, अगेंस्ट द स्ट्रीम में अप स्ट्रीम हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन अप स्ट्रीम इक्वल टू आएगा 1. n को क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, इक्वल टू 1 आ गया. दूसरे में क्या हो जाएगा, एंड गोस 1 किलोमीटर अलोंग द करंट इन 10 मिनट्स, 1 किलोमीटर अलोंग द करंट u प्लस v, और 10 मिनट्स का आर मतलब 10/60. तो गाइस क्या आ जाएगा, u माइनस c आपको 2 दिया गया है, u प्लस v आपको 6 दिया गया है,
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 5 किलोमीटर इन स्टेशनरी वॉटर। तो पहले यू निकालो आप, तो यू कैसे आएगा, 2u = 8, यू आ गया 4, एंड वी कितना आ गया, वी निकालना नहीं बट निकाल लो, वी आपका आ गया 2। अब वो बोल रहा है कि अगर हमको 5 किलोमीटर स्टेशनरी वॉटर में जाना है, मतलब खाली आपकी स्पीड यू है, तो टाइम कितना लगेगा, तो 5/4 हो जाएगा, मतलब 5 किलोमीटर/u। हम खाली यू क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वाटर स्टेशनरी है, स्ट्रीम चल नहीं रहा है, जैसे आप रोड में चलते हो वैसे ही है। तो 5/4 क्या हो जाएगा, 5/4 का आप ले सकते हो 1 1/4, 1 आवर, और 1/4 is 15 मिनट्स, तो ऐसे लिखेंगे इसको, 1 आवर + 1/4, और 1/4 × 60 करोगे तो 15 आ जाएगा, तो 1 घंटा 15 मिनट ऐसा, ठीक है, ये आपका हो गया। अब गाइस ध्यान रखना, ये 5/4 को या तो ऐसे ले सकते हो 1.25 आवर्स, या तो 1 आवर 15 मिनट्स, ठीक है, दो चीजें, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया 1 आवर 15 मिनट्स, वही हो जाएगा, इजी क्वेश्चन। ए नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। एक नंबर एक्स था, इसको आपने डबल किया, फिर आपने क्या किया, 9 ऐड कर दिया। अब ये जो आया रिजल्टेंट, मतलब ये आया, ये ट्रिपल हो गया, ट्रिपल्ड, और ये आपका बन गया पूरा मिला के 75। बस 3 से काट दो, 25 हो गया, 9 वहां जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x = 2 आ जाएगा 16, x आ जाएगा 8, 8 इज द आंसर। व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 हैव स्क्वायर्स दैट एंड इन 1। इनके जो स्क्वायर करें तो एंडिंग 1 से होगी, तो गाइस यूनिट डिजिट स्क्वायर की 1 कब आएगी, किसका स्क्वायर करो कि आपको 1 मिले, 1 का स्क्वायर आपको 1 देता है, 2 का स्क्वायर नहीं देता, 3 का नहीं देता, 4 का नहीं देता, 5 नहीं देता, 6 नहीं देगा, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 का स्क्वायर आपको एंड में 1 देगा। तो कहने का मतलब क्या है कि कैसे पता लगाओगे, तो आप जो जो नंबर्स में आपके 1 से 50 तक कौन कौन से नंबर्स में एंडिंग 1 है, जैसे 1 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, ऐसा, तो ये 5 नंबर्स के स्क्वायर करोगे तो आपको एंडिंग क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। इसी तरह 9, 19, 29, 39, 49, इनके स्क्वायर्स करोगे तो आपको 1 मिलेगा, क्योंकि यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 1 है, तो 5 नंबर्स ही है, 5 नंबर्स ही, टोटल 10 नंबर्स हैं 50 में से, तो कितना परसेंटेज हुआ, 10/50 × 200, 20% आंसर आ गया, ठीक है। तो बेसिक यूनिट डिजिट का केस है। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, फ्रॉम ए, अपने क्लास का कॉपी कर दिया क्वेश्चन, फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 men and 6 women, 5% आर टू बी सेलेक्टेड टू फॉर्म ए कमिटी सो दैट एटलीस्ट 3 men आर देयर ऑन द कमिटी, इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। एटलीस्ट 3 men होने चाहिए, तो कैसे हो गई, आप ऐसे बोलो कि 7 में 3 men, तो बाकी क्या होगा, 6 में से 2 women होंगी, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा, 7 में से अगर 4 men है तो 6 में से 1 woman होगी, अगर 7 में से 5 women है तो 6 में से 1 भी woman नहीं होगी, तो यहाँ पे और हो रहा है, ये या ये, तो जब और होता है तो प्लस आता है यहाँ पे अलग अलग केसेस के लिए, क्योंकि टोटल गाइस आपको 5 बनाना है, तो आपको ये देखना है कि 3+2 5, 4+1 5, 5+0 5, हमेशा टोटल 5 होना चाहिए। 7 × 3 क्या हो जाएगा, 7 × 6 × 5/6, 35 × 15, प्लस 7 × 3, 35 × 6, 7 × 2 is 21, ये कितना आएगा, 35 × 21 + 21, 21 × 36, 720 + 36, 76 आंसर आ गया। ये ट्रेन क्रॉसेस ए प्लेटफॉर्म 100 मीटर लॉन्ग इन 60 सेकेंड्स एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर/आवर। गैस किलोमीटर पर आवर को कभी भी आपको मीटर पर सेकंड बदलना है, तो आप क्या करोगे, हमेशा 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, और अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर बदलना है तो क्या करोगे, 18.5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे गैस क्योंकि ये मीटर में है, सेकंड में, तो आप इसको स्पीड को क्या करोगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका आएगा 25/2। अब गैस देखो, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म की लेंथ अगर एल है, तो एल प्लस, सॉरी प्लेटफॉर्म को दिया ही आपको, ट्रेन की लेंथ अगर एल है तो एल प्लस 100 टोटल लेंथ हो गई, अपॉन स्पीड कितनी है गाइस, 25/2, टाइम कितना लग रहा है 60, टोटल डिस्टेंस अपॉन
स्पीड इज इक्वल टू टाइम, तो एल प्लस 100 कितना आ गया, 60 इंटू 25 बाई 2, दैट इज 25 750, तो एल आपका आ गया 650। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका ऐसा हो जाएगा, आप देखो इलेक्ट्रिक पोल तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, उसी पर लेंथ तो लेंगे नहीं, तो आप सीधे क्या करोगे, ट्रेन की लेंथ ही मानी जाएगी, तो ट्रेन की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड 25 by 2, 5 5 जा 5 120 जा, ठीक है 526 जा, 2 ऊपर जाएगा 52 हो जाएगा, 52 सेकंड से आंसर आ गया। तो जब इलेक्ट्रिक पोल से क्रॉस करने की बात है, तो ट्रेन, ये आपका इलेक्ट्रिक पोल है और इतनी बड़ी ट्रेन है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ ऐड नहीं की जाएगी, प्लेटफॉर्म में तो ऐड की जाती है बिकॉज प्लेटफॉर्म लंबा होता है, इलेक्ट्रिक पोल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, तो बस जो ट्रेन की लेंथ होगी वही आएगी बस, तो ट्रेन की लेंथ अपॉन ट्रेन की स्पीड से आपका आ जाएगा आंसर। Three numbers are in the ratio 3:4:5 and their LCM is 2400. So guys, HCF निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, guys यहाँ पे अगर एक नंबर आपका 3x है, दूसरा अगर 4x है, तीसरा 5x है, तो इनका LCM क्या आएगा, LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा नंबर जो तीनों का मल्टीपल हो, तो क्या बोल सकते हो 3:4:5x, ये आपका LCM हो जाएगा, ठीक है, और HCF देखो तो HCF क्या होगा, इस तीनों में कॉमन क्या है, x कॉमन, x इज द HCF, तो HCF आपको क्या है 60x की वैल्यू क्या दी गई है, तो x आपका आ गया 40, ठीक है 40x आ गया, ये आपका हो गया HCF बस। ऑफ 132 एग्जामिनीज ऑफ अ सर्टेन स्कूल द रेशियो ऑफ सक्सेसफुल टू अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 92, टोटल एग्जामिनीज जो होंगे गाइस ये किनसे मिलके बने होंगे, सक्सेसफुल प्लस अनसक्सेसफुल से मिलके बने होंगे, एस प्लस यू से, सक्सेसफुल लोग अगर 9x हैं, अनसक्सेसफुल लोग अगर 2x हैं, तो क्या हो जाएगा 9x प्लस 2x आपका आएगा 132, 11x अगर 132 हुआ x कितना आएगा 12, मतलब 9 12 100 एंड 12 2 24, ये आपके सक्सेसफुल हैं या आपके अनसक्सेसफुल हैं, ठीक है, अब वो बोल रहा है 4 more students हैं पास्ड, 4 स्टूडेंट अगर सक्सेसफुल और होते तो इसका मतलब क्या, यहां से 4 लोग कम होते तो क्या हो जाता 112 होता और ये आपका 20 होता, ठीक है 20, क्योंकि अगर 4 लोग सक्सेसफुल होंगे तो 4 लोग फिर अनसक्सेसफुल होंगे ना, हटेंगे 4 लोग वहां से, तभी तो यहाँ पे आएंगे, ये 20 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, अब रेशियो निकाल लो उसका, सक्सेसफुल अपॉन अनसक्सेसफुल का, आपको चेक करना है, कोई भी नंबर अगर 132 मान लो है, 135 है, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है 1 + 3 + 5, आपको बस ये चेक करना है 3 से डिविजिबिलिटी के लिए कि जो भी नंबर दिया गया उसका सम ऑफ डिजिट्स निकाल दो, वो आपका यहाँ पे आया 9, ये अगर डिवाइड हो रहा है 3 से तो आपका हो जाएगा, या फिर आप डिस्टेंस सम भी निकाल सकते हैं, जैसे मैं मान लेता हूँ 137, डिस्टेंस सम क्या होता है, डिस्टेंस सम मतलब होता है कि तब तक ऐड करते रहो डिजिट्स को तब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, जैसे 1 + 3 + 7 ये आया 11, 11 में 1 + 1 करो ये आया 2, तो आइदर यू कैन फाइंड डिस्टेंस सम और सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, तो क्या देखो इनको अगर डिजिट्स ऐड करो 2 + 3 5 9 14 20 27 35 35 डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, ये नहीं होगा 2 8 10 17 23 27 29 32 नहीं हो रहा, 4 6 10 12 12 हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है, सी आंसर, एक बार आपको आंसर मिल गया नीचे आपको चेक नहीं करना, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, देखो फाइंड द रॉन्ग नंबर, यहाँ पे हो क्या रहा है 10 40 200 66 42 56 1024, क्या दिख रहा है 4 264, यहाँ देखो 64 256 1024 4096, ये क्या हो रहा है, अगर जीरो डाल दो 2 की पावर 6 2 की पावर 8 2 की पावर 10 2 की पावर 12, अगर आप जीरो डाल दो लास्ट वाले तो ये, अब गाइस यहाँ पे तो फिर 2 की पावर
फोर होना चाहिए, 16 होना चाहिए, तो एक तरह से 116 होना चाहिए इसका। ये क्या हो रहा है आपका, 2 स्क्वायर इंटू 10, 40 हो गया। ये क्या हो रहा है, 2 की पावर 0 इंटू 10, 10 हो गया। तो गाइस पैटर्न क्या बन रहा है, 2 की पावर 0 इंटू 10, 2 स्क्वायर इंटू 10, तो क्या होना चाहिए, 2 की पावर 4 इंटू 10 होना चाहिए। मतलब सीरीज क्या बन रही है, 10 सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की पावर 0, 2 स्क्वायर 2 की पावर 4 ऐसा, बट 200 वैलिड नहीं है, इसकी जगह 160 होना चाहिए, 2 की पावर 4। तो ये आपका आ जाएगा आंसर, तो आपको पैटर्न यहां से मिलेगा। ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड बाई साइक्लिस्ट एट ए सर्टेन स्पीड। इफ ए जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, द रेशियो स्पीड ऑफ द जॉगर टू दैट ऑफ साइक्लिस्ट। ये सर्टेन डिस्टेंस इज टाइम टेकन कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डिस्टेंस डी है और साइक्लिस्ट की स्पीड S1 है। इफ ए जॉगर कवर्स हाफ द डिस्टेंस इन डबल द टाइम, डिस्टेंस हाफ है, जॉगर की स्पीड S2 है, डबल द टाइम, 2 टाइम्स ऑफ d/s1, तो क्या हो जाएगा गाइस, 1/2 S2 = 2/S1। गाइस आपको निकालना है जॉगर अपॉन साइक्लिस्ट, S2/S1 निकालना है, ये क्या हो जाएगा, 1:4। ठीक है, तो गाइस ये 10 से 12 क्वेश्चंस कवर किए हैं, क्वेश्चन इजी आए थे तो इजी डिस्कस किए हैं, बाकी हम लोग सारे स्लॉट डिस्कस करेंगे, पॉइंट्स के बाद LRB करूंगा और DI भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो गाइस अगर फिर से बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल सब्सक्राइब करना, बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है आपको, काफी स्टूडेंट्स हर बार नॉन कैट एग्जाम्स में ली इवन कैट में भी काफी अच्छा स्कोर करते हैं, तो ये कंटेंट लोग काफी देते हैं। ठीक है, बाकी गाइस एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में अगर प्रिपरेशन करनी है MBA CET की, यू कैन चेक आउट अवर कोर्स, हम लोग का बैच स्टार्ट हो रहा है 25 सितंबर से। ठीक है, MBA CET कोर्स का, एंड द प्राइसिंग इज वेरी इकोनॉमिकल, 5500 कंप्लीट कोर्स है। हम लोग का USP क्या है कि हम लोग सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में कराते हैं, हम लोग ऐसे मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपने 10th के बाद कुछ नहीं पढ़ा है, सारी क्लासे बेसिक से होती है बिल्कुल 10th लेवल से और एक लेवल हाई तक जाती है। और दूसरी बात, जैसे आपने देखा कि क्वेश्चन टाइप इजी थे बट आपने कितनी वैरायटी देखी है, तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि सारी वैरायटी सारे क्वेश्चन टाइप क्लास में कवर हो जाए। तो ये समझ लो खाली क्वांट्स की मैं अगर बात करूँ तो 9 से 10 हज़ार क्वेश्चन क्वांट्स की क्लास में कवर हो जाएंगे, प्रैक्टिस शीट थ्योरी एंड सब कुछ मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि इस कोर्स में आपका GDPI वगैरह भी कवर्ड है, मतलब अगर आप JBI में MHRD में फाइनेंस ले जाओगे तो आपको उसके लिए अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ कवर्ड है इसमें, MBA CET का GDPI प्लस एवरीथिंग। तो हम लोग का ये फर्स्ट एंड लास्ट बैच होगा, इसका डिटेल्स आ जाएगा थोड़े टाइम में, 25 सितंबर से बैच स्टार्ट है, बाकी आपको 25 तक का वेट नहीं करना है गाइस, आप अभी ले सकते हो कोर्स, आपको NMAT स्टैम्प का एक्सेस दिया जाएगा, जो क्लासे वहां पे हो चुकी है सब आप देना शुरू कर दो। और MBA CET की तरह CMAT CVT SRCT सब के कोर्सेज रहेंगे, हम लोग 3-4 कोर्स लॉन्च करने वाले हैं 25 से, क्योंकि सबका सिलेबस सेम रहता है। बाकी गाइस अगर आप NMAT स्नैप का देख रहे हो कोर्स, हम लोग का बैच अभी स्टार्ट हुआ था अगस्त एंड में, कंप्लीट NMAT स्नैप कोर्स 6500 का इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है, सब कुछ कवर्ड है 0 से 10 तक GDPI के साथ। और GDPI बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अलग से आप GDPI लोगे तो आपको 3 से 4 हज़ार का पड़ेगा, यहाँ पे इंक्लूडेड है। नॉन कैट कोर्स इज ए फ्लैगशिप कोर्स, 10,000 का कोर्स है, इट इज ए काइंड ऑफ ए पास, एक बार ले लिया अभी से लेकर अगले साल तक जितने भी एग्जाम आपको जानते हो नॉन कैट के, कैट छोड़ के सारे एग्जाम, सबकी टेस्ट सीरीज, सबका GDPI, हार्ड कॉपी बुक्स भी घर पे मिलेंगे आपको, ये भी आप ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइम्स रिविजन होगा, जैसे अभी NMAT स्टैम्प का बैच चल रहा है 20 अक्टूबर से खत्म हो जाएगा, आपका CMAT CET का बैच स्टार्ट होगा तो वो आपके लिए चालू हो जाएगा, तो आपको मई तक लिए कुछ रोका नहीं जाएगा, GK सेक्शन इनोवेशन सेक्शन सब कुछ कवर रहेगा उसमें। बाकी कहते हैं अगर मॉक्स देख रहे हो तो NMAT स्टैम्प के मॉक्स हम लोग सारे लाइव हो चुके हैं, बहुत ही इकोनॉमिकल मॉक्स हैं, काफी रेलिवेंट है। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हो मॉक्स, अलग से NMAT स्नैप के मॉक्स 1-1 हज़ार के हैं, भाई कॉम्बो 1-1 लाइन का है। तो गाइस हम लोग के मॉक्स के रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं, NMAT के बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। वैसे रिजल्ट्स एंड रिव्यूज यू कैन चेक आउट। काफी अच्छे रिव्यूज आते रहते हैं CET का, गाइस को डाउट यहाँ पे व्हाट्सएप कर दें, बाकी मॉक्सम.in में जाओगे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।